हाय फ्रेंड वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू शो आज के इस वीडियो हम जानेंगे अब इस तरह के अस्तर टेक लिरिक स्टार्टर जुड़े कैसे बना सकते हैं अलाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज करके जो कि अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड चल रहा है तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है जो कि लूड्स और ऑफर के लिए ऑनलाइन लूट और ऑफर के लिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें आप ज्वाइन हो जाए जो कि आपको नया नया डील्स और ऑफर देखने मिलेगा तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं सो फ्रेन इस तरह की स्टार्ट वीडियो बनाने के लिए पहले आपको क्या करना मोबाइल में आलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है नाइन टू तो सिक्सटीन रेशियो सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको जो भी सॉन्ग आप स्टार्टस वीडियो बनाना चाहते हैं उस सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है उसके बाद आपको इधर से बीट मार्क लगा लेना है तो देख सकते हैं मैंने एक एक करके बीट मार्क लगा लिया तो आपको इस तरह करके बीट मार्क लगा लेना है उसके बाद आपको लिरिक्स के हिसाब से जो भी अस्थेटिक वीडियो है आपको एक एक करके लिरिक्स के हिसाब से आपको दूसरा दूसरा वीडियो को आपको ऐड कर लेना है जैसे मैंने ऐड किया इस तरह करके आपको ऐड कर लेना है अगर आप ये वाला वीडियो चाहते हैं तो आपको लिंक हमारा जो वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में उधर से आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपको पता नहीं है इस तरह के एस्थेटिक वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाता है तो लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो देखिए आप इस तरह के एस्थेटिक वीडियो जो कि इंटरेस्ट एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको म्यूजिक के हिसाब से यानी कि लिरिक्स के हिसाब से आपको ऐड कर लेना है उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है जो भी वीडियो आपने ऐड किया था वीडियो के ऊपर क्लिक करना है ब्लेंडिंग एंड ऑपासिटी में जाना है उसका जो अपोसिटी आपको देश है परफेक्टली सिक्सटी परसेंट आपको सभी वीडियो को आपको जैसे रख सकते हैं नहीं तो उसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से आप देख के अपने हिसाब से उसको देख के आपको जो भी अपासिटी यानी कि उसका अपासिटी आपको रख सकते हैं तो इधर से मैं परसेंट रख लेता हूँ जो कि परफेक्टली मैच करेगा पूरा वीडियो आपको का आपको सभी में सिक्सटी परसेंट कर लेना है उसके स्टार्टिंग में आना है प्लस आइकन जाना है रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है थ्री डॉट में जाकर फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है कलर में जाना है जाने बाद आपको ये पिंक वाला को सिलेक्ट करना है कलर में जाकर उसको थोड़ा डार्क इस तरह कर लेना है डार्क करने बाद आपको बैक करना है इसके ऊपर क्लिक करना है ब्लेंडिंग एंड अपोजिट में जाना है आपको जैसे डार्क कलर में है मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है तो देख सकते हैं इस तरह के जो एस्टेटिक कलर जैसे हमारा दिखाई दे रहा है उसको लास्ट तक जाना है जाने के बाद आपको रेक्टेंगल को लास्ट तक ले आना है तो देख सकते हैं एस्टेटिक कलर हमारा जो कि वीडियो में इधर बन गया उसके बाद आपको क्या करना है जैसे आपको लिखना है लिरिक्स तो स्टार्टिंग में आना है प्लस आइकन जाना है टेक्स में आना जाने के बाद जो भी पहला लिरिक्स है आप उसको आपको जैसे लिख लेना है लिखने बाद फॉन्ट में जाके ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लाइन में उसको कर लेना है साइज जा में जाके उसके जो साइज है आपको जैसे टेन रख लेना है कॉलर में जाके उसके जो कॉलर है आपको व्हाइट कर लेना है उसको बीच में आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है उसको राइट क्लिक करना है तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आ जाएगा उसको परफेक्टली आपको बीचों बीच स्ट्रेटली आपको रख लेना है जो कि परफेक्टली मैच करेगा हो गया देख सकते हैं उसके बाद आपको लिरिक्स यानी कि जो लेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको किधे बॉर्डर एंड शेडो में जाना है शेडो में जाकर शेडो ऑन करना है शेडो का जो कलर है आपको व्हाइट रख लेना है उसके बाद उसका जो साइज है आपको क्या करना है जैसे शेडो का इसको फिफ्टीन आपको कर लेना है उसके बाद जो ऑपासिटी है आपको जैसे अल्फा जो है आपको नाइन्टी परसेंट आपको जैसे सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको जैसे कॉलर है आपको वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिलेगा थोड़ा थोड़ा सैडो इफेक्ट देखने मिलेगा उसके बाद आपको जैसे ऐड करना है इफेक्ट तो उससे पहले आपको क्या करना है जो आपका जो भी पहला लिरिक्स इतना सेकंड तक है उतना सेकंड तक रखना है बाकी के पार्ट को आपको ट्रिम कर लेना है ट्रिम करने के बाद आपको क्या करना है लेयर के ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है ऐड इफेक्ट में जाना है जाने के बाद आपको सॉर्च करना है टेक्स स्पेसिंग उसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद उसका जो ऑपरसिटी है यानी कि लेटर स्पेसिंग है आपको जैसे फिफ्टी परसेंट आपको रख लेना है उसके बाद उसको क्लोज कर लेना है देख सकते हैं इस तरह कुछ टेक्स्ट आपको देखने मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है जाने के बाद आपको आर्ड इफेक्ट में जाना है जाने के बाद आपको जैसे सॉर्च करना है वाइप इसको सिलेक्ट करके आपको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है उसको ओपन करना है एंड के ऊपर क्लिक करें स्टार्टिंग में आना है स्टार्टिंग में आने के बाद एक प्लस आइकन देना है देने के बाद एंड को क्या करना है परफेक्टली आपको इधर जीरो कर लेना है तो जैसे मैं जीरो कर लेता हूँ तो जीरो आपको परफेक्टली इधर सेट कर लेना है जीरो करने बाद आपको इसको होल्ड करके आपको एंड तक ले लेना है उसके बाद आपको बीच में थोड़ा आगे आपको जाना है इतना दूर जाना है प्लस आइकन देना है देने के बाद एंड को क्या करना है इधर परफेक्टली हंड्रेड परसेंट आपको फिर से इसको परफेक्टली सेट कर लेना है तो जैसे मैं हंड्रेड परसेंट जो कि वर्क लेता हूँ परफेक्टली मैच करेगा तो इतना आपको रख लेना है उसके बाद आपको क्या करना देख सकते हैं इस तरह कुछ टेक्स्ट इफेक्ट आपको देखने मिलेगा उसके बाद नीचे आना है आने वाला जो फेदर दिखाई दे रहा है उसको आपको जैसे परफेक्टली ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको फेदर को जैसे सेट कर लेना है उसको क्लोज करना है तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको जो कि टेक्स्ट इफेक्ट देखने मिलेगा तो देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह कुछ आपको जो कि वाइब वाला इफेक्ट आपको देखने मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है जैसे हम क्या करेंगे टेक्स्ट को ऊपर से लेके आएंगे और टेक्स्ट नीचे लेके आएंगे तो पहला जो टेक्स्ट है हम इस तरह ऊपर आएगा तो उसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है मूव एंड मूवन ट्रांसफॉमर जाने जाने बाद आपको परफेक्टली बीच में आना है आने बाद एक प्लस आइकन आपको इधर से दे देना है देने बाद आपको स्टार्टिंग में आना है स्टार्टिंग में आने बाद एक प्लस आइकन देना है देने बाद टेक्स्ट को इस तरह स्लाइड करके ऊपर उसको स्ट्रेटली आपको ले लेना है उसके बाद आपको एंड में जाना है एंड में जाने के बाद एक प्लस आइकन देना है इस तरह होल्ड करके उसको भी आपको टेक्स्ट को पूरा स्ट्रेटली ऊपर आपको ले लेना है ये की को उठा के एंड तक और फास्ट वाला जो की है उसको उठा के स्टार्टिंग तक ले आना है ये दो की के बीच में आने कर्व में जाना है इसको इस तरह ऊपर और इसको इस तरह नीचे इतना आपको रख लेना है थ्री डॉट में जाके आपको कॉपी करना है ये दो की के बीच में नहीं थ्री डॉट में जाके पेस्ट करना है उसको रोटेट कर लेना है हो गया देख सकते हैं उसके बाद आपको रोटेशन में जाना है जाने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है प्लस प्लॉस देना है देने के बाद आपको इधर से फाइव डिग्री आपको परफेक्ट करना है इसको होल्ड करके स्टार्टिंग तक और एंड में जाना है एक प्लस आइगन देना है उसको आपको माइनस फाइव डिग्री आपको कर लेना है इसको होल्ड करके एंड तक ले आना है तो देख सकते हैं हमारा जो पहला लिरिक्स है इस तरह कुछ आपको देखने वाले देख सकते हैं कितना परफेक्ट इधर से हमारा हो गया तो पहला लिरिक्स हो गया उसके बाद आपको क्या करना है इधर से सेकेंड लिरिक्स लिखना है तो उसके ऊपर लेवर है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको इधर से डुप्लीकेट करना है करने के बाद इसको खींच के आपको आगे लेके आना है यानी कि आपका जो सेकेंड लिरिक्स जिधर आपका स्टार्ट होता है उतना तक लेके आना है लाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है एडिट में जाना है जाने के बाद पहले उसका जो लिरिक्स है सेकेंड जो भी लिरिक्स है आपको जैसे लिख लेना है तो जैसे मैं लिख लेता हूँ सेकेंड लिरिक्स को लिखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको मूव मोबाइल ट्रांसफर है जाने के बाद आपको क्या करना है जैसे जो पहला जो की इसको होल्ड करके स्टार्टिंग था और सेकेंड वाला की को होल्ड करके लास्ट तक ले आना है तो ये वाला की क्या की क्या है फास्ट की को उसके बाद इस तरह होल्ड करके टेक्स्ट को क्या करना है इस तरह स्लाइड करके आपको नीचे स्ट्रेटली उसको ले आना है उसको कीज को फिर से फास्ट तक ले आना है उसके बाद लास्ट वाला की में जाना है जाने के बाद इसको स्लाइड करके आप उसको भी नीचे आपको स्ट्रेटली पूरा अंदर आपको ले लेना है परफेक्टली उसके बाद ये की को उठा के एंड तक ले आना है तो देख सकते हैं इधर से मैं आपको प्ले करके दिखा हूँ देख सकते हैं पहला इस तरह आएगा उसके बाद नीचे वाला जो टेक्स्ट है इधर से नीचे से ये नीचे से इधर से ऊपर से जाएगा देख सकते हैं कितना परफेक्ट हो गया उसके बाद थर्ड लिरिक्स को आपको क्या करना है लिरिक्स को जितना सेकंड है उतना सेकंड तक आना है टाइमिंग में जाकर उतना सेकंड तक ले आना है उसके बाद नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है थर्ड लिरिक्स तो इसको फास्ट वाला जो लिरिक्स है उसको कॉपी करना है क्योंकि ऊपर से एक आएगा नीचे से ऊपर नीचे इस तरह करके तो पहले इसको कॉपी कर लेना है फर्स्ट लेयर को उसके बाद थर्ड लिरिक्स जहाँ स्टार्ट होता है उतना तक आना है पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद आपको जितना सेकंड है उतना सेकंड तक पहले जाके उसको लेयर को उतना सेकंड तक कर लेना है करने बाद आपको क्या करना है उसका जो लिरिक्स है उसको चेंज करना है फिर से फोर्थ लिरिक्स लिखने के लिए आपको दो नंबर वाला जो है उसको कॉपी करना है आगे पेस्ट करना है उसका लिरिक्स को चेंज करना है और टाइमिंग को सेट करना है तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट इधर से बन गया उसके बाद आपको क्या करना है जैसे जो भी वीडियो आपने ऐड किया था उसमें आपको फेड इन आउट वाला इफेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए फास्ट वाला जो वीडियो उसके ऊपर क्लिक करना है इफेक्ट में जाना है ऐड इफेक्ट में जाना है इधर से आपको सॉर्च करना है फेड इन आउट तो उसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपका जो इन है आपको जैसे वन कर लेना है जो आउट है उसको आपको फिफ्टी जीरो पॉइंट फिफ्टी रख लेना है उसको क्लोज कर लेना है तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिला तो हो गया उसके बाद आपको क्या करना है ये जो इफेक्ट है आपको जैसे कॉपी कर लेना है कॉपी करने में जितना भी वीडियो ले रहा है आपका इधर से आपको सभी वीडियो में आपको इस तरह करके पेस्ट कर लेना है जितना भी वीडियो आपने ऐड किया था सभी में ये फेड इन आउट वाला जो अस्थेटिक वीडियो है उसमें आपको सभी में पेस्ट कर लेना है तो फाइनल देख सकते हैं हमारा जो वीडियो इधर से रेडी हो गया तो इधर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट जो कि इधर से हमारा लग रहा है तो ये हो गया हमारा वीडियो उसके बाद आपको इधर से जो भी चैनल का लोगो आपको इधर से ऐड कर लेना है तो वीडियो को सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन जाना है वीडियो को फुल एच में क्वालिटी फुल लगे जैसे एक्सपोर्ट कर लेना है